हेलो एवरीवन स्टूडेंट सेट राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और वो ये है कि इस एग्ज़ाम को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव दिस इज माई मोबाइल नंबर एट फोर थ्री नाइन जीरो डबल सिक्स डबल नाइन फाइव एंड स्टूडेंट मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स जिस पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान सेट का कोर्स मैंने पब्लिश कर दिया है उस कोर्स को आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं सेट सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरीके से नेट आपको एक एलिजिबिलिटी uh, देता है आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं उसी तरीके से उसका एक विकल्प है सेट जो आपके राज्य से uh, जो है कनेक्टेड होता है आपके राज्य से संबंधित होता है अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में उत्तीर्ण होते हैं तो आप अपने राज्य में आ, कहीं भी कॉलेज में एज अ लेक्चरर पढ़ा सकते हैं तो ये जो अभी सेट निकाला गया है और निकाला जा रहा है जिसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो इसके आवेदन की जो संभावित तिथि बताई जा रही है संभावित ये जनवरी में इसका आवेदन लिया जा सकता है और परीक्षा की संभावित तिथि जो बताई जा रही है वो मार्च के द्वितीय सप्ताह में या अंत मार्च अंत में लिया जा सकता है तो इसके लिए परीक्षा की तैयारी आप फटाफट शुरू कर दें क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा है इस पर मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूँगी इसमें आपको पेपर टू और पेपर थ्री दोनों में इकोनॉमिक्स के पेपर्स होते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी अहर्ता तो इसमें मिनिमम आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम पचपन प्रतिशत मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आरक्षित वर्ग को पाँच प्रतिशत की इसमें छूट दी गई है अब एक मुख्य बात इसमें यह है स्टूडेंट कि अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं आप फाइनल ईयर में हैं आपने एग्ज़ाम दे लिया है या दे रहे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं लेकिन जब आपका सेट जब आपके सेट का रिजल्ट आपके हाथ में हो तो उस समय आपके पीजी के पीजी का रिजल्ट भी आपके हाथ में होना चाहिए वैलिडिटी अगर आप सेट क्वालिफाई करते हो तो इसकी वैलिडिटी केवल राजस्थान के लिए होगी और वैलिडिटी इज फॉर एवर इसकी जो वैलिडिटी होगी इस सर्टिफिकेट uh, की वो हमेशा के लिए होती है ठीक है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है स्टूडेंट आप पूछते हो मैम सेट करके क्या करेंगे तो देखो यूजीसी नेट भी आप दे रहे हो लेकिन सेट आपके राज्य के लिए इसको मैं नेट का विकल्प कहती हूँ आपके राज्य से संबंधित है और अगर आप सेट कर लेते हो तो अपने राज्य में कहीं भी आप लेक्चरशिप के लिए आ, एलिजिबल हो जाते हैं और इसका सिलेबस चूंकि काफ़ी बड़ा है स्टूडेंट तो इसकी तैयारी फटाफट शुरू कर दीजिए और जो संभावित तिथि बताई गई है जनवरी 2023 तो जनवरी 2023 में अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और मार्च में अगर एग्ज़ाम है तो इसकी तैयारी में आपको पूरी तरीके से लग जाना चाहिए और जैसा मैंने बताया मेरे ऐप शिप्रानिक्स पर भी मैंने इसका सिलेबस जारी कर दिया है तो आप उसको वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं आज के लिए इतना ही स्टूडेंट थैंक यू सो मच बाय